फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फिर मैं आपके सामने एक एक्सेल की नई ट्रिक लेकर, दोस्तों हमेशा की तरह जब भी मैं एक्सेल में आपके लिए कोई ट्रिक लेकर आता हूँ तो टाइम बचाने की बात करता हूँ, और आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सेल सीट में मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, पीवोट टेबल है जिसका डेटा यहाँ से आया है। ये जो मेरी मास्टर सीट है यहाँ से इस डेटा को पीवोट टेबल के थ्रू मैंने यहाँ लाया हूँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सीट को मैं मेल करना चाहता हूँ पेस्ट करके आउटलुक से। तो दोस्तों आपको वो सिंपल प्रोसेस पता है कि आप इसे कॉपी करेंगे, बॉडी में पेस्ट करेंगे, ऊपर डियर सर लिखकर, नेम लिखकर और नीचे सिग्नेचर डाल के आप इसे मेल कर देंगे। तो ये आपकी सिंपल प्रोसेस है जिसमें भी आपको एक मिनट में ये काम हो जाता है। पर दोस्तों आज मैं आपका वो एक मिनट भी शेव करना चाहता हूँ। तो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ डेमो कि कैसे ये एक्सेल शीट काम करेगी और कैसे ये मैक्रो काम करेगा। जब मैं इस मैक्रो पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये जो मेल है यहाँ पर आपको जो शीट दिखाई दे रही है ऑटोमेटिक मेल में पेस्ट होकर सेंड हो चली जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने मेल ओपन नहीं किया था, ये ऑटोमेटिक वहां से आया, यहाँ से ये फॉरवर्ड होगी। अब मैं इसे आपको अपने आउटलुक में दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों देखो ये आउट बॉक्स में यहाँ पे मेल आके और इन ईमेल आईडी पे जो ईमेल आईडी मैंने अपनी एक्सेल सीट में यहाँ पर डाला था इन पर चली। आप अपने हिसाब से यहाँ पे आईडी चेंज कर सकते हैं और चाहे तो जो मैंने बीबीए की कोडिंग करी है उसमें भी इन ईमेल आईडी को डाल सकते हैं। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कैसे ये सीट काम करेगी। यहाँ से मैं अपने आउट बॉक्स से इस मेल को डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद मैं फिर से इसी एक्सेल सीट पर जाता हूँ जो मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग, छोटी सी प्रोग्रामिंग कर रखी है और इस उस प्रोग्रामिंग को इस बटन से लिंक करके रखा हुआ है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेल जो है वो कॉपी होके पेस्ट होके ऑटोमेटिक जो है वो आउटलुक में चली जाएगी। अगर आप आउटलुक चेक करेंगे यहाँ पे तो आपको आउटबॉक्स में फिर से एक मेल दिखाई देगी। ये देखिए, ये तो हुई कि आपने इसे क्लिक किया। दोस्तों मैंने कुछ वीडियो ऐसे भी बनाए हैं जिसमें इसे क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे शेड्यूल भी कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम में ये मेल यहाँ से बॉडी में पेस्ट होकर आउटलुक से चली जाए। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या करना है और मैंने इस मेल में क्या किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इस सीट को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और किसी नई एक्सेल सीट में इसे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने एक नई एक्सेल सीट को ओपन किया और इसमें इसे पेस्ट कर दिया। इसके बाद हम जो हमारी ओल्ड सीट है इसे हम बंद कर देते हैं। मैं इसे बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों अब जो मेरी जो नई सीट है, जो नई सीट मैंने क्रिएट किया है, इसमें मैं एक मैक्रो बनाता हूँ। आपको पता है व्यू में जाकर यहाँ से आप एक न्यू मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करता हूँ, मैक्रो का नेम देता हूँ। आप मैक्रो का कोई भी नेम दे सकते हैं, मैं देता हूँ ऑटोमेल और इसे सेव कर देता हूँ। मैक्रो यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और मैं इसे स्टॉप रिकॉर्ड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग करी। इसके बाद जब आप व्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक मैक्रो दिखाई देगा ऑटोमेल। आप इस ऑटोमेल को एडिट कीजिए। यहाँ पे आप देखिए एक सब्जेक्ट और एक एंड सब आ गया। दोस्तों आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने प्रोग्रामिंग करा हुआ है यहाँ पे और इस प्रोग्रामिंग को मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करने वाला हूँ और इस सीट को भी मैं मेल के डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे अटैच करने वाला हूँ। वहां से आप ये प्रोग्रामिंग और शीट दोनों ही निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसे करके देखते हैं। मैंने इसे कॉपी किया यहाँ से और कॉपी करने के बाद मैं इन दोनों के बीच में से पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इसमें क्या किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे आउटलुक का पाथ दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे टू में मैंने सीट की रेंज दी हुई है कि A13 पे जो भी ईमेल आईडी टाइप होगी उस पर मिल जाएगी। सीसी मैंने ब्लैंक रखा हुआ है। आप चाहे तो यहाँ सीसी में यहाँ मेल डाल सकते हैं या फिर एक्सेस सीट की कोई रेंज यहाँ पर दे सकते हैं। बीसीसी में आप यहाँ पे डाल सकते हैं सीसी की तरह। और सब्जेक्ट में मैंने डेटा लिखा हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ पे कोई सीट का रेंज भी यहाँ पर दे सकते हैं। और दोस्तों बॉडी में मैंने लिखा हुआ प्लीज फाइंड द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे रेंज डिफाइन किया हुआ है B2 से लेकर E11 तक। अगर आप यहाँ पे B2 से E11 देखने की बात करें तो मैंने ये जो रेंज डिफाइन करी है ये B2 से लेके E11 तक, ये वाली रेंज है। तो इसको अगर आपकी सीट बड़ी है या आपकी सीट की रेंज कुछ और है तो अकॉर्डिंगली आप वहां पर जाकर आप अपने मैक्रो को एडिट कर कर जो मैक्रो आपने बनाया है वहां पे जाकर इसे चेंज भी कर सकते हैं।
ये हुआ पूरा प्रोग्रामिंग का सेटअप। इसके बाद आप इसे बंद कर दीजिए और राइट क्लिक कर इस बटन पे हम उस मैक्रो को असाइन कर देते हैं। हमने जो ऑटो मेल बनाया था इसे हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं। अब दोस्तों देखिए ये सेटअप हो गया आपका। इसके बाद आपको सिर्फ बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे मेल चली गई। मैं आपको आउटपुट में दिखाता हूँ, दो मेल हो गई। फिर से हम एक बार ट्राई करते हैं, मैं इसे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया मेल चली गई। आप देख रहे हैं कि आउटबॉक्स में मेल मेरी बढ़ती जा रही है, यानी मेल सेंड होके यहाँ पे पेस्ट होते जा रही है। आप देखो सेंड मेल, में फिर से क्लिक करता हूँ इस पर, ये मेरी मेल सेंड होगी। तो कुछ सेकंड में ही आप बहुत सारी मेल्स को एक साथ सेंड कर सकते हो। और अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ये मेल चली जाए, तो मैंने ऑटो मेल शेड्यूलिंग का लिंक भी अपनी आई बटन पर डाल दिया है। आप वहां से उसे वीडियो को देख कर और इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक, मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।